स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी, जो आपके संचार अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक आप देख रहे होंगे, बहुत से बच्चों ने इसको 11वीं में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, आप लोगों के पास जो संचार ये दिया है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम है ना, संजन संचार माध्यम, लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन, ठीक है, ये देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। तो चलिए आज हम इसी को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे बच्चों, इसमें ये हिंदुस्तान यदि है ना, शताब्दियों की दासता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, इस प्रकार से आपकी बुक में भी ये चित्र दिए होंगे, ठीक है। आप इसके आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले आपका है जन संचार माध्यम, ठीक है। तो जैसे ये दिया हुआ है ना, ये पिक्चर जो दी हुई है, ये आपके बुक में भी दी है, एक नजर में, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है मानव। देखिए, जब तक संचार यानी हमें बहुत सी चीजों का पता लगता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, जैसे इसमें भी दिया ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला, ये इसका हम लाइव वीडियो भी देखे हैं। तो ये जो संचार है, जन संचार माध्यम कौन से हैं, क्या है जन संचार, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रकारिता है, बहुत सारे मतलब इसके आकार प्रकार बहुत, ताकि हमको जो हमारे पुराने नए जो भी चीजें हैं वो हमको हम तक पहुंचती हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे, जन संचार माध्यम। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले कहाँ ये डिवाइड है, यहाँ पर क्या दिया है, ये अ शो, ठीक है ना, फिर संदेश ये दिया है माध्यम, तो स्रोत या संचारक, फिर संदेश माध्यम, फिर इसके बाद से स्रोत या संचारक, संदेश माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये क्या है, फीडबैक। संचार प्रक्रिया दी है, ये क्या दी है बेटा, ये दी है संचार प्रक्रिया, कैसे मतलब हमको कोई चीज हम तक पहुंचती है ना, तो कोई स्रोत या संचारक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर उसका जो फीडबैक है, और संचार प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती है। ये आपकी पुस्तक में भी दी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब ये दिए हैं यहाँ पर संचार के कार्य, संचार के क्या दिए हैं, कार्य। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, रोजमर्रा माने रोज हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं, इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला दिया हुआ है, संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए, ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में दिया है। फिर दूसरा है नियंत्रण, तो संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर है सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग, आपने देखा होगा ना, जब हमको कोई न्यूज़ सुनना रहती है या हमको कोई चीज किसी को बताना रहता है, तो हम उसका क्या करते हैं, संचार का उपयोग करते हैं। फिर है अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं, संचार का उपयोग क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, फिर अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। तो ये जो हम बच्चों पढ़ रहे हैं, ये है संचार के काम। चलिए आगे पढ़ते हैं। संचार के कार्य के अंतर्गत और भी आगे हैं, जैसे सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्क, एक दूसरे से आदान प्रदान है ना करने के लिए, संपर्क को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। फिर है संचार का प्रयोग हम अक्सर अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं।
इस प्रकार से तो ये जो है संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्या और किसी चिंता को दूर करने, जैसे मान लीजिए ना आप देखिए देख रहे हैं पिक्चर में यहाँ पर बचाओ मतलब कोई समस्या दी है तो उसको भी दूर करने के लिए हम क्या जो फोन के द्वारा भी हमको कुछ बताने के लिए आए व्यक्ति या कुछ संपर्क करते हैं, तो इस प्रकार से ये चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। फिर है संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति ठीक है ना प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। फिर है इसके बाद इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। इस प्रकार हमने संचार के क्या कर रहे थे बच्चों ये कार्य, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर संचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। अब यहाँ है जनसंचार माध्यम। जनसंचार को जानने के लिए पहले हमें संचार के स्वरूप को जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर और प्रश्न दोनों ही हम पढ़ेंगे और समझेंगे। संचार क्या है ये प्रश्न है, उत्तर समझिए। संचार के मूल में चर धातु है जिसका अर्थ है विचरण करना। यह विचरण अर्थात आना जाना मनुष्य का भी हो सकता है, किसी अन्य प्राणी का भी, ध्वनि का, प्रकाश का, किंतु हम जिस संचार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना। इसके प्रमुख दो लक्षण हैं। कौन-कौन से हैं? पहला लक्षण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। फिर दूसरा उनके बीच किसी संदेश या संप्रेषण या ग्रहण। ठीक है, संचार शास्त्री विल्बर श्रम के अनुसार क्या कहते हैं? संचार अनुभवों की साझेदारी है, जो अनुभव है उनकी साझेदारी। फिर है अतः सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही। देखिए बहुत ध्यान से कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। चलिए इसके बाद अब प्रश्न है दूसरा, संचार के माध्यम किसे कहते हैं? संचार के माध्यम, देखिए उत्तर, संचार स्वयं एक प्रक्रिया है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है, जैसे हमारी आवाज ध्वनि तरंगों एवं वायु तरंगों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, स्पर्श संवेदन आदि भी सब क्या है? संचार माध्यम है। अर्थात वे उपकरण, समझिए यहाँ पर, अर्थात वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं संचार माध्यम कहलाते हैं। क्या बताया हमने संचार माध्यम की परिभाषा? कि वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को, ठीक है ना, कि जो हम कह रहे हैं वो संदेशों को मतलब यदि पहुंचाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? वो क्या सब हुए? संचार के माध्यम हुए। जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि, ये सब चीजें क्या हैं? संचार के माध्यम। देखिए समाचार पत्रों से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, सूचनाएं मिलती, फिल्में भी जो बनती हैं बहुत सी, टेलीफोन के द्वारा भी हमें सूचना मिलती है, रेडियो में जो हम सुनते हैं, दूरदर्शन में जो हम देखते हैं, मोबाइल में देखते और सुनते दोनों में, इंटरनेट के माध्यम से, ये सब संचार के क्या माध्यम है। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा कि संचार के मूल तत्व कौन से हैं? लिखिए। देखिए संचार के मूल तत्व निम्नलिखित, आप संचार के मूल तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है संचारक या स्रोत। संचारक या स्रोत या अर्थात संदेश देने के बारे में सोचने वाला। फिर है संदेश या कूटीकरण यानी एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। तीसरा संदेश या फिर है
संदेश या पूर्ण वाचन, तो क्या आएगा? डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। फिर है प्राप्त करता, संदेश को समझाना एवं प्रतिक्रिया करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। संचारक या स्रोत, किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। संचारक या स्रोत क्या है? तो देखिए, किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण है भाषा की स्पष्टता, और दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल पुटीकृत करने की क्षमता। आप देखिए यहाँ पर आता है दूसरा, पुटीकरण या एनकोडिंग, ठीक है ना। तो संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। किसी संदेश को यदि हम भेज रहे हैं तो उसके लिए शब्द, संकेत और ध्वनि, इनका उपयोग किया जाता है, चित्रों का भी उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः जैसे देखिए, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों के में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। कूटीकरण सफल तभी होगा जब संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, अर्थात जैसे संचारक को जो कहना चाहता है और प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में, जैसे मान लीजिए सामने वाला आपको कोई चीज जो समझाना चाह रहा है और आप उसको उसी रूप में जब प्राप्तकर्ता संदेश को ग्रहण कर लेता है तो ये क्या कहलाता है, वह बहुत अच्छा संप्रेषण कहलाता है। फिर है कूट वाचन या डिकोडिंग, ठीक है। अब कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कूट वाचन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे जो संचारक समझता, मतलब जैसा है वैसा ही समझ लेना, ठीक है। फिर है प्राप्तकर्ता। अब प्राप्त संदेश का कूट वाचन और उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग अर्थात प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप देखिए, इस प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ये दिया है संदेश, संचार, संचारकर्ता, कूट द्वारा संप्रेषण, कूट वाचन, प्राप्तकर्ता और फिर प्रतिक्रिया, ठीक है ना। अब आता है संदेश प्रक्रिया, फीडबैक एवं शो। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया क्या करता है? प्रकट करता है। यह आवश्यक है कि संचारक का संदेश बिना किसी बाधा के प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, और यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? संदेश कहलाती है। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा का शोध आया कहते हैं, आया बाधा मानसिक अस्पष्टता, अनिच्छा, गलत कूट वाचन, तकनीकी खराबी, आसपास के शोर, प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण हो सकती है। संचार प्रक्रिया में यदि मान लो कोई प्रकार का बाधा या शोर हो, है ना, तो इस प्रकार से वो क्या हो सकती है कि प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण ही हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अब आता है यहाँ पर संचार कितने प्रकार के हैं, लिखिए। अब देखिए, संचार तो पहला है सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ क्या है? संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल हरी बत्ती का प्रयोग। इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है, ठीक। फिर आता है मौखिक संचार। मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं, जैसे उदाहरण आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार साधन कहलाते हैं, जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार और चित्र फिल्म संचार। अब आता है अंतःवैयक्तिक संचार, समझिए इसको। एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतःवैयक्तिक
मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता है, यह भाषा या स्मृतियों गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यतीत होता है जैसे डायरी लेखन, आत्मपरक व्यतीत कविताएं इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है, जैसे दो मित्र, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य के मध्य बातचीत, साक्षात्कार इत्यादि। समूह संचार, जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं उसे समूह संचार कहते हैं, जैसे कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक, भाषण या जुलूस। फिर समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है, इसमें सबके ही सामूहिक मुद्दों पर बात की जाती है। अब आता है जनसंचार, जब हम अपनी किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है, इसमें संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र विकसित हुए, जैसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाना जनसंचार नहीं किंतु दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना जनसंचार, समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि। जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको अभी यहाँ पर जनसंचार के बहुत सी प्रक्रिया और उनकी जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती हैं जनसंचार की, मैंने अभी आपको समझाई और उनके प्रकारों को समझाया, संचार की प्रक्रिया, परिभाषा सब बताए, माध्यम बताए। अब जो है जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक बच्चों, आपने जो भी कॉपी या बनाया हो रजिस्टर उसमें इनको आप लिखिए और बच्चे याद भी करते जाइए। धन्यवाद।